गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। प्यारे बच्चों, आज मैं अंग्रेजी साहित्य में स्नैपशॉट्स की सप्लीमेंट्री रीडर से फर्स्ट लेसन की समरी हिंदी में लेकर के उपस्थित हूं, जिस लेसन का नाम है द समर ऑफ ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ठीक ना, इस पाठ का हिंदी सारांश बताने से पहले मैं इस लेसन के कुछ पात्रों का परिचय कराना चाहता हूं, जिसमें पहला पात्र है एरम। एरम एक 9 वर्ष का लड़का है जो इस कहानी को अपने मुखार बिंदुओं से वर्णित करता है। मुराद दूसरा कैरेक्टर है जो एरम का चचेरा भाई है। बड़ा ही उन्मादी स्वभाव का लड़का है। मुराद ने ही जानवायरों का घोड़ा अपने पास ला करके रखा था, जिस घोड़े से वह सुबह होने से पहले तक अच्छी सवारी करता था। और मुराद का ये व्यक्तित्व था कि वह घोड़े को पटाने में बड़ा ही माहिर व्यक्ति था। तीसरा कैरेक्टर बेटा खोसरो। खोसरो की बात की जाए तो बड़े ही चिड़चिड़े और उन्मादी स्वभाव के व्यक्ति हैं। मुराद को खोसरो का ही वंशज माना जाता है कि खोसरो की है औलाद है। बेटा जो खोसरो है वो बड़ी बड़ी मूछें रखने वाला व्यक्ति, मजबूत शरीर का हिष्टपुष्ट व्यक्ति, वह अपनी आवाज के सामने किसी की भी आवाज को दबा देता था। उसकी आवाज में इतनी दहाड़ होती थी। और एक और कैरेक्टर लीजिए जो आपके समक्ष है, जानवायरो। जानवायरो उस घोड़े का मालिक था जिसका रंग सफेद था, जिस घोड़े को मुराद ने अपने पास रख लिया था सवारी करने के लिए। ओके बेटा, आइए हम लोग कथा का वर्णन करते हैं, कहानी का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से एक सफेद घोड़े के साथ गर्मी के आनंद लेते हैं मुराद और एरम। ओके, मुराद जो कि एरम का एक चचेरा भाई था, वह एरम के पास सुबह 4 बजे आया और खिड़की को थपथपा करके एरम को जगाया। जब एरम जागा और खिड़की से बाहर देखा तो उसने जो कुछ भी देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि एरम का चचेरा भाई मुराद एक सफेद घोड़े पर बैठा हुआ था। जब एरम ने अपनी आंखें मली और देखा तो मुराद ने आर्मीनिया भाषा में एरम से कहा कि एरम एक घोड़ा है, यदि तुम्हें सवारी करनी है तो जल्दी आ जाओ। एरम को घुड़सवारी करने की बड़ी प्रबल इच्छा थी, लेकिन बेटा उनके पास घोड़ा नहीं था, क्योंकि एरम एक जनजाति से संबंध रखते थे और उनकी जनजाति गरीब थी और उस जनजाति का नाम था गारोलियन। गारोलियन परिवार का प्रत्येक व्यक्ति गरीब था। लोगों को पता नहीं था कि उनके भरण पोषण के लिए उनके पास धन कहां से आता था, कोई नहीं जानता था। लेकिन उनके जाति उनकी पीढ़ी की विशेषता थी कि उनके जनजाति के लोग बड़े ही ईमानदार थे और अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। ईमानदार होने के साथ साथ वो स्वाभिमानी थे। स्वाभिमानी पहले थे फिर ईमानदार बाद में थे। इसलिए विश्वास था कि मुराद या परिवार के अन्य सदस्यों के पास घोड़ा खरीदा नहीं जा सकता है। उन लोगों के पास घोड़ा खरीदने की कोई क्षमता नहीं थी। फिर उसके पास घोड़ा कहां से आया? प्रश्न ये उठता है एरम के दिमाग में कि मुराद के पास घोड़ा कहां से आया। एरम ने सोचा अवश्य उसने घोड़े को कहीं से चुराया होगा, किंतु
इस परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं था। लेखक इरम ने मुराद से पूछा कि तुमने घोड़ा कहां से चुराया। इस पर इरम ने कहा कि यदि तुम्हें सवारी करना है खिड़की से बाहर आ जाओ। अब बात एकदम स्पष्ट थी कि मुराद ने घोड़ा कहीं से चुराया था और मुझे घुड़सवारी के लिए आमंत्रित कर रहा था, अर्थात इरम को घुड़सवारी के लिए आमंत्रित कर रहा था। अब मैं घुड़सवारी करने या जाऊं या ना जाऊं ये मुझ पर निर्भर था। इरम कहते हैं कि मेरे अनुसार सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना चोरी नहीं होती है। यदि उसे बेचने का प्रस्ताव ना किया जाए तो मैंने कपड़ा पहना और खिड़की से क्या किया बेटा, खिड़की से पहले इरम ने छलांग लगा दी और मुराद के पीछे जाकर के घोड़े पर बैठ गया। हमने सवारी प्रारंभ कर दी। क्षण भर में घोड़ा ओलियू एवेन्यू नामक स्थान पर पहुंच गया। हवा बड़ी स्वच्छ थी, बड़ी सुंदर थी, सांस लेने में बड़ा आनंद आ रहा था। मुराद को मेरे परिवार का एक ऐसा व्यक्ति माना जाता था जो अत्यधिक उन्मादी स्वभाव का था, लेकिन मुराद से पूर्व जैकबियन घाटी में जहां पर वे लोग रहते थे, जैकबियन घाटी में बेटा इरम के एक चाचा थे जिनका नाम था, जिसका क्या नाम था, खोसरो, जो भारी भरकम शरीर वाला बड़ा ही मजबूत उग्र मिजाज का व्यक्ति था, लंबी लंबी बड़ी बड़ी मोछे थी, बड़ा ही चिड़चिड़ा और अधीर स्वभाव का व्यक्ति था। वह अपनी आवाज की गर्जन से किसी को बोलने की रोक सकता था। उनका एक तकिया कलाम था, एक सिद्धांत था कि इसमें कोई हानि नहीं है, इस बात पर ध्यान न दो। ये हमेशा कहा करते थे, कौन बेटा, खुसरो हमेशा कहा करते थे। एक बार की बात है कि खुसरो का बेटा 6 इमारत को क्रॉस करके दौड़ करके उनके पास आया। जब वे नाई की दुकान पर बैठ करके अपनी मूंछों को सही करा रहे थे, बेटे ने कहा, पिताजी घर में आग लग गई है। तब खुसरो ने बेटे से कहा, कोई हान नहीं, इस बात पर ध्यान मत दो। कोई बात नहीं है, कोई हान नहीं हो, इस बात पर ध्यान मत दो। नाई ने कहा, श्रीमान जी आपका बेटा कह रहा है। फिर उन्होंने नाई को डांटते हुए कहा कि चुप हो जाओ, कोई हान नहीं है, इस पर ध्यान ना दो। इरम का भाई मुराद खुसरो का वंशज था। मुराद के पिता का नाम था जोराव। क्या नाम था बेटा, जोराव, अंडरस्टैंड। इरम और मुराद घोड़े पर सवार थे, मुराद गाना गा रहा था। अब मुराद ने इरम से कहा कि तुम नीचे उतर जाओ और मैं अकेले सवार करूंगा। जब यह प्रस्ताव मुराद ने इरम के सामने रखा तो इरम ने कहा, क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे। मुराद ने कहा, ये तो घोड़े पर निर्भर है, अगर घोड़ा चाहेगा तो तुम सवारी कर सकते हो। मैं नीचे उतर गया। मुराद ने घोड़े को एड़ लगाए और कहा, दौड़ वजीरे, घोड़े का नाम वजीरे। घोड़ा अपनी पिछली टांग पर खड़ा हो गया, फुफकार भरी और दौड़ पड़ा। पल भर में अंगूरों के बगीचे को पास करते, नाले को पास करके दूर तक चला गया। 5 मिनट बाद दौड़ करके आया तो पसीने से एकदम लथपथ था। मैंने मुराद से कहा कि मुराद नीचे उतरो, अब मेरी बारी है, अर्थात इरम की बारी है। मैं घोड़े पर सवार हो गया। मुराद ने मुझसे कहा, घोड़े की मांसपेशी पर एड़ लगाओ, क्योंकि लोगों के जागने से पहले हमें घोड़ा उस स्थान पर ले जाना है जहां से हम लाए हैं। मैंने घोड़े की एड़ लगाई, घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया और जोर से हिनहिनाने लगा। घोड़ा सर पर दौड़ा और जब घोड़ा सर पर दौड़ने लगा
तो मैं घोड़े से नीचे गिर गया। घोड़ा तेज भागने लगा। मुराद ने यह स्थिति देख करके घोड़े को पकड़ने का प्रयास किया और कहा कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, मुझे परवाह है तो घोड़े की परवाह है, तुम इस दिशा में जाओ। और मुराद आगे गया। आधे घंटे बाद काफी मशक्कत करने के बाद मुराद घोड़ा लेकर के वापस आया। अब बेटा सुबह हो गई थी, अब मुराद के पास घोड़े को वापस ले जाने का समय नहीं था, इसलिए केवल छिपाने का एक ही रास्ता था। मुराद ने कहा कि हम चुपचाप खेतों घोड़े को अंगूरों के बाग में जो भंडार गृह है वहीं ले जाएंगे और छुपा देंगे। ले जाकर के अंगूरों के बाग में भंडार गृह के पास उन्होंने घोड़े को छुपा दिया। फिर घर पर जाकर के जम करके उन्होंने नाश्ता किया। उसी दिन एरम के चाचा, क्या नाम था, खोसरो एरम के घर आए थे। तभी एक नया आगंतुक एरम के घर आ गया जिसका नाम था जान बायरो। क्या नाम था बेटा? जान बायरो आ गया, घर पर आया और उसने कहा कि मेरा घोड़ा चोरी हो गया है। तब खोसरो ने कहा कोई नुकसान नहीं, इस बात पर ध्यान मत दो। जान बायरो ने तंबाकू लिया और क्या कहते हैं कॉफी लिया और कहा कि मैं 10 मील पैदल चल करके आया हूं। फिर खोसरो ने कहा इस बात पर ध्यान मत दो। उसने कहा कि मेरे घोड़े गाड़ी का क्या होगा। फिर खोसरो ने कहा इस पर ध्यान मत दो, कोई नुकसान नहीं हुआ। समझ गए बेटा? तब उसके बाद जान बायरो इरम के घर से चले जाते हैं। इरम ने सारी बात सुन ली और जाकर के मुराद से बताई। मुराद एक घायल पक्षी का इलाज कर रहा था और इरम ने जाकर के मुराद से बताया कि मुराद जो घोड़ा तुम्हारे पास है उसका मालिक मेरे घर पर आया था और ये घोड़ा तुम्हारे पास 1 महीने से है, लेकिन तुम वादा करो कि जब तक मैं घुड़सवारी सीख न लूंगा तब तक तुम घोड़े को वापस नहीं करोगे। मुराद ने कहा कि अगर तुम्हें घुड़सवारी सीखने में 1 साल का समय लगेगा तो क्या मैं 1 साल तक घोड़ा वापस नहीं करूंगा? इरम ने कहा कि मैं 6 महीने में घुड़सवारी सीख लूंगा। उसने डांटा और कहा कि तुम कितने दिन में सीख लोगे? उसने कहा कि 6 महीने में, और पक्षी को उड़ा दिया। प्रत्येक सुबह मैं अपने भाई मुराद के साथ घुड़सवारी करने के लिए जाता था, लेकिन घोड़ा मुझे उछाल कर गिरा देता था। फिर भी मुझे उम्मीद थी कि मैं समय सीमा के अंदर घुड़सवारी सीख जाऊंगा। एक दिन जान बायरो मुराद और इरम को मिल गया। मुराद ने इरम से कहा कि तुम शांत रहो, मैं इसे संभाल लूंगा। मुराद ने जान बायरो से नमस्कार किया और हालचाल लिया। तो जान बायरो ने मुराद से घोड़े का नाम पूछा कि तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। मुराद ने कहा कि मेरे घोड़े का नाम मेरा दिल है, माय हार्ट। तब बायरो ने कहा यह वही घोड़ा है जो मेरे यहां से कई सप्ताह पहले चुराया गया था, क्या मैं तुम्हारे घोड़े का मुंह देख सकता हूं? उसने मुंह देखा और कहा वही घोड़ा है या मेरा घोड़ा है। अगले दिन घोड़े को मुराद और इरम वायरों के अंगूर के खेत में ले गए और वहीं पशुशाला थी, बेटा वहीं पर बांध दिया। जान वायरों को कुत्ते बिना भौंके उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन मुराद इतना चतुर था कि कुत्ते को अच्छी तरीके से पटा लेता था। घोड़ा छोड़ करके चले आए। उसी दिन जान वायरो इरम के घर आया और इरम की मम्मी से बताया कि उसका घोड़ा मिल गया है, और वह अपना घोड़ा गाड़ी लेकर के आया। बताया कि मेरा घोड़ा पहले से ताकतवर है और पहले से ज्यादा बेहतर है। इस पर खोसरो ने कहा शांत हो जाओ, इस बात पर ध्यान मत दो। अंडरस्टैंड? ये रही आपकी हिंदी समरी। हम अगले लेक्चर में इस पाठ का कुछ अंश का अध्ययन लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्यारे बच्चों, अगर लेक्चर समझ में आए, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। जो नए बच्चे हैं अपने साथियों को
शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।